मीठी बोली से पंछी को गीत सिखाए वो, उसकी आंख में आंसू आए तो बादल गिर जाते हैं, उससे मिलने चांद सितारे धरती पे आ जाते हैं, जिस दरिया में पांव धरे पानी गुनगुना है, तुलसी के बारे में कुछ ऐसा सुना है, तुलसी मोरे अंगना, तुलसी मोरे अंगना। ये क्या कर रही हो तुम? अरे इसमें से दो साड़ियां निकाल रही हूँ। नहीं लेकिन ये साड़ियां तो तुलसी की हैं। तो क्या हुआ, तुलसी को कौन से महंगी साड़ियों की कदर है? प्रवेश करो। अंदर आइए देवर जी, क्या चौखट पे ही खड़े रहेंगे? पैर छू जीते रहो बेटा, सदा सुहागन रहो, सदा सुहागन रहो। सदा सुहागन रहो, खुश रहो। क्या बात है अम्मा जी, बड़ी सुंदर बहू ढूंढ के लाए हैं। हम बोलते थे ना बड़की दुल्हन, और साड़ी में तो गुड़िया के जैसी लग रही है। दिखने में तो भोली है भी भोली, देखना तीनों भवों में सबसे अच्छी यही होगी। अब जैसी भी है अम्मा जी की बहू कहलाएंगी, तुम्हारी नहीं, समझी? चलो देवर जी, नहीं तो कुल देवता नाराज हो जाएंगे। पहले इसमें सीधा पैर रखो, सीधा। हाँ से माथा टेकवा दिया ना कुल देवता के? हाँ मलकिन, कहीं ऐसा तो नहीं दुल्हन की जगह दूल्हे राजा खुद ही माथा टेक के आ गए हो? अब मेरा काम हो गया तो मैं जाऊं? खत्म कहाँ, आपका काम तो अब शुरू हुआ है, अब तो लगाम कसी है आपको। चलो बहू अपने कमरे में। ये तो बड़ी संस्कारी लग रही है, तुम लोग तो कह रहे थे कि बड़ी उटपटांग हरकतें करती है। दीदी आप भी देखिए ना, अभी मायके से सीख पढ़ के आई है, और जिस दिन ये सीखा पढ़ा भूल जाएगी ना, तब देखना उसके रंग। अरे तुम लोग यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हो, चलो जाओ शादी की मिठाई जाके खाओ, और सुनो जाने के पहले मिठाई लेके जाना घर पे, ठीक है? चलो चलो चलो। अरे केदार जी उठिए, सुबह हो गई। आइए मास्टर जी, कैसे हैं? अभी तक सो रहे हैं आप लोग, और आंगन में झाड़ू भी नहीं लगा, और सब कुछ जैसे के तैसे बिखरा पड़ा है। वो क्या है ना कि रात को बहुत थक गए थे, बस नींद नहीं खुली। हाँ सो तो है। अरे गंगा जी, गंगा चुप हो जाओ। देखो तुम्हें तो पता है कि बेटियां होती ही पराई है। देखिए ना आंगन कितना सूना हो गया है उसके बिना। मेरी बच्ची चिड़िया की तरह चहकती थी, कभी इधर कभी उधर,
अपने साथ इस घर की खुशियां भी ले गई वो। क्या कर सकते हैं गंगा जी, अब दुनिया का दस्तूर ही ये है। और फिर आपकी बेटी तो ज्यादा दूर भी नहीं है, फोन का जमाना है, आप कभी भी उससे बात कर सकती हैं। अरे तुलसी की माँ, अरे सबको उठाओ ना, और वो लीची अभी भी सो रहा है, चाय पिलाओ सबको। जी अभी लाए। नहीं नहीं आप बैठिए गंगा जी, मैं बनाती हूँ। नहीं नहीं आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। गंगा जी आप थकी हुई होंगी, मैं बनाती हूँ। मुझे तो उसके कमरे में जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है, उसे ना देखूं तो मैं। भाभी जी तुलसी के बिना आपका आंगनी सुना नहीं हुआ है, पूरा गांव सुना हो गया है, गांव के बच्चे बूढ़े सब उदास हैं, और सबसे ज्यादा तो वो बुदनी जिसे तुलसी हमेशा तंग किया करती थी। कह रही थी कि अब मेरे खेत से टमाटर कौन चुराएगा, किसके पीछे भागूंगी मैं। पता नहीं वो वहां कैसे रह रही है। अरे अब चुप भी करो तुलसी की माँ, अरे तुम्हारे यहाँ रोने से वहां उसका भी मन व्याकुल होगा। अरे अपने घर ही तो गई है, अरे तुम चिंता मत करो, वो उसका घर है। अब तो तुम उसे बस ये आशीष दो कि उसका जीवन और गृहस्थी खुशी खुशी चले। लीची 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 बेटा चलो अंदर जाके सब, चलो चलो उठो। अरे वो फर्नीचर वाले के यहाँ गए थे क्या? अरे बाबूजी मैं अभी तो सो के उठा हूँ। उसके दो बार फोन आ चुके हैं और मैंने उसे कहा था कि तुम वहीं गए हो। मैं चला जाता बाबूजी, लेकिन 7,000 रुपए कम हैं। आप तो कल दिखे नहीं, वरना आप ही से ले लेता। तुम्हें वो सारे पैसे अपने पास से देने थे, फिर मेरे देने की बात बीच में कहां से आ गई? बाबूजी वो पैसे खर्च हो गए। कहां जा रहे हैं आप? फर्नीचर वाले के पैसे देने। अरे मैं दे दूंगा ना। अरे चाय तो पी के जाइए। अरे आकर पी लूंगा मैं। अच्छा भाभी जी मैं भी उनके साथ जा रहा हूँ। भाई साहब जरा देखिएगा, दो रात से ठीक से सोए भी नहीं वो। भाभी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं उनको अपने साथ वापस लेकर आऊंगा, आता हूँ। माँ मुझे ना बाबूजी की यही बात अच्छी नहीं लगती। शेखर बेटा तू तो जानता है ना, जो बात वो बोल दे वो समय पे हो जाना चाहिए। अरे अगर 2 घंटे बाद चले जाते तो क्या दुकान बंद हो जाती? नहीं जाती, आप ना झूठे हो, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। तेरी बोलो। हाँ तो सुनने तो सबको, सब भी तो जाने कि आपने इतने बड़े झूठे हो, मेरी आपसे कट्टी 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 कट्टी। अरे क्या हुआ बहू, क्यों मेरे बेटे पे गुस्सा हो रही हो? देखो ना अम्मा जी, साथी ने ना मुझे गाड़ी में आते वक्त कहा था कि माथे पे ऐसे पल्लू ले रखना और औरतों के सामने ना वैसे ही रहना, मैंने वैसे ही किया। उसके बदले साथी है ना मेरी गुड्डा गुड्डी के लिए 12 तरबाजा देने वाले थे, मगर नहीं दे रहे। अरे मैं बाजार जाऊंगा तभी तो लेकर आऊंगा। उस समय तो बोले थे कि घर में रखा है और अब बाजार का बहाना बना रहे हो। मीनू से पूछो, मीनू बोले थे ना। हाँ हाँ चाचा ने बोला था। बस इतनी छोटी सी बात से तुम मेरे बेटा से नाराज हो गई? चिंता मत करो मैं ला दूंगी। नहीं नहीं मुझे अभी चाहिए, अभी 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 चाहिए। अरे नई नवेली दुल्हन के मूड को क्या हुआ, किसने खराब किया? ये साथी ने। साथी ने बोला क्यों? अरे कुछ नहीं बहू, ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। चाचा ने बोला था चाची को कि वो उनकी गुड़िया के लिए पालकी और बाजार आ रहेंगे, पर वो नहीं लाए, इसलिए चाची नाराज है चाचा से, है ना चाची? यहाँ देवर जी बड़े कंजूस हैं आप, नई नवेली दुल्हन की एक छोटी सी मांग भी पूरी नहीं कर सके। अरे भाभी वो मैं क्या, अरे भाभी मैं वो गुड्डे गुड़िया खेलने वाली लड़की से शादी क्यों की फिर?
अभी तो बेचारी के खेलने खाने के दिन है। कहाँ चले विनय बाबू, सुनिए तो। तुम लोग बिना हमेशा खेलती रहती हो। छोटी बहू पल्लू ठीक करो। ठीक है। हाँ अम्मा जी बहुत भूख लगी, कुछ खाने के लिए लेकर आना, अच्छा वाला। हाँ लो अम्मा जी की किस्मत। कहाँ अम्मा जी ने सोचा होगा कि बहू अपने हाथों से उन्हें खाना परोसेगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। अरे भूख लगेगी तो मांगेगी ही ना बहू, पता नहीं कब खाई होगी। अरे मीनू लूडो खेलेंगे। हाँ पर हमारे पास लूडो ही नहीं। अरे हमारे पास है ना, रुको मैं लेकर आती हूँ। ये री तुम्हारा कौन सा रहेगा? ये वाला। ठीक है मेरा हरा वाला। ये लो। देखा दीदी दुल्हन अपने साथ कैरम शतरंज सब लेके आई। ये पंजा चक्का करेगी और हम पकवान बना बना के खिलाएंगे। अरे दुल्हन और कौन कौन से खेल आते हैं तुम्हें? मुझे वो चोर सिपाही, गोटी, चिड़िया उड़, कैरम और बहुत सारे खेल पसंद है। हाँ अच्छा लो तुम खेलो। मजा आया। हेलो जी प्रणाम, मैं तुलसी की भाभी बोल रही हूँ, ये लीजिए बात कीजिए। हेलो ठीक है बहन जी। तुलसी जी फोन है। किसका अम्मा? तुम्हारी अम्मा का। माँ का? हेलो माँ। कौन तुलसी, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ माँ, अब रोना मत। और साथी ने कहा कि जल्दी ले चलूंगा तुम्हारे गांव। नहीं बेटा रोएंगे क्यों, इतना अच्छा घर जो मिला है तुझे। और बाबूजी उनको भी रोने मत देना, उनसे कहना कि मैं जल्दी आऊंगी। हाँ हाँ कह दूंगी। अच्छा तुमने खाना खाया? हाँ अम्मा ने खिलाया। अच्छा बेटा वहाँ ठीक से रहना, बड़ों का आदर करना, शरारत मत करना, और हाँ मीनू के साथ प्यार से रहना। माँ मीनू है ना बेईमानी कर रही है। अरे बाबा वो छोटी है उसे माफ कर दे। किया ना दो बार किया, अगर फिर से करेगी ना तो मैं लूडो ही बंद करके रख दूंगी। अरे बेटा ऐसा नहीं कहते, वहाँ लोग क्या कहेंगे। बहू मेरी भी बात करा जी। हो गई ना तसल्ली बहन जी। भूल चुक हो जाए तो माफ कर दीजिए, अभी दुनियादारी से अनजान है मेरी बेटी। कैसी बात कर रही हैं बहन जी, तुलसी अब हमारी बिटिया है। अरे बहन जी अब आप ये समझिए कि आपकी जगह मैं हूँ। बाकी सब बढ़िया ना जी? ठीक है बहन जी नमस्ते। जी प्रणाम। अब मेरी बारी। ठीक ठीक एक दो तीन चार पाँच छह। अरे शेखर बेटा कहाँ जा रहे हो? बाबूजी को देखने। शेखर बेटा तुम वहाँ जाकर क्या करोगे? आ जाएंगे वो। ये बाबूजी भी ना छोटी छोटी सी बात को लेकर आसमान सर पर उठा लेते हैं। अब बताइए इनके पास 7,000 रुपए कम पड़ रहे थे तो मैंने बोला बाबूजी से मांग दीजिए, और बाबूजी वो हलवाई और टेंट वाले के पास बिजी थे तो मैंने कहा कोई बात नहीं थोड़ी देर सो जाइए आराम कर लीजिए फिर चले जाइए। क्या बस इतनी सी बात पर हो गए नाराज? बहू तुम तो जानती हो ना वो धुन के पक्के हैं। हाँ मेरे पास 14,000 रुपए हैं, मैं उनका हिसाब कर दूंगा। अरे आ गए आप, अभी अभी हमने तुलसी से बात की, आपके बारे में पूछ रही थी। अच्छा अरे खुश तो है ना वो। बाबूजी आपने फर्नीचर वाले के पैसे दे दिए क्या? हाँ तफरी करने नहीं गया था मैं, हलवाई और टेंट वाले के 30,000 रुपए बाकी है अभी। अब मेरे पास हैं 14,000 बाबूजी, आप ही रख लीजिए। 14,000? पर मैंने तो तुम्हें 36,000 दिया था। अब वो बाबूजी हमने अपनी तरफ से कहा था ना 50,000 रुपए देने के लिए शादी में, तो 36,000 रुपए खर्च हो गए, ये बचे 14,000, ये आप ले लीजिए। अरे 36 में से 20,000 के कपड़े लत्ते आ गए,
की 16,000 भी खर्च कर दिए क्या? बाकी का हिसाब कंचन ने रखा है ना बाबूजी? हिसाब हिसाब किताब कहाँ लिख पाई मैं? अरे इतना छोटा छोटा टुकड़े टुकड़े में खर्चा होता है, कहीं 200 रुपए देना है, कभी 500 रुपए देना है, कहीं 300 रुपए देना है, अब ये सब लिखा जाता है क्या? और वैसे भी शादी ब्याह का माहौल था। बस बाबूजी, इतने छोटे छोटे खर्चे में खर्च हो गए 16,000 रुपए। बस 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 रखो अपने 14,000। अरे मैं कर लूंगा इंतजाम 30,000 का। सच कहते थे हम लोग, घर में बहू नहीं महारानी आई है, उसके लिए खीर बादाम किशमिश काजू सब जा रहा है। देखो हमें तो याद भी नहीं दीदी कि हमारी जब शादी हुई थी तो पहले दिन अम्मा जी ने हमसे खाने के लिए पूछा था कि नहीं, याद है? आप ही ऊपर हलवा और खीर लेके आए थे हमारे लिए। विनय कब से बाहर गया हुआ है, अभी तक आया नहीं? बाहर नहीं गए हैं, ऊपर अपना कमरा सजा रहे हैं। कमरे में अगर वो है तो फिर माँ क्या कर रही है कमरे में? खाना खिला रही हैं अपने हाथों से दोनों को। कुछ नहीं बेटा, ये मीनू को खुशी देने आई थी। पांव छुओ, बड़े भैया हैं, घूंघट ले। खुश रहो, घूंघट चढ़ा लो। अच्छा, अच्छी मुलाकात हुई आपकी छोटी बहू से। ये छोटी बहू के कदम हमारे लिए बहुत शुभ है माँ, इसके आते ही हमारा टेंडर पास हो गया। सच बोल रहा है? अरे झूठ काहे बोलेंगे, ये देखो सरकारी फरमान आया है। सच में तेरे कदम बहुत शुभ है, कितने दिन से बड़े भैया परेशान हो रहे थे इस काम के लिए। अजी एक काम करो, पूरे गांव में मिठाई बांटो, हम इस खुशी में पूरे गांव को शामिल करना चाहते हैं। लेकिन भैया अभी तो शादी की मिठाई बांटी थी, अभी तक लोगों की वो मिठाई ही खत्म नहीं हुई होगी। अरे वो शादी की मिठाई थी, ये टेंडर पास होने की मिठाई है, बांटो बांटो। बिल्कुल बेटा, खुशी बांटनी चाहिए। मंजली बहू को ले जा। रुको, ये लो मंगला, मेरी तरफ से ही शगुन दे दो बहू को। ले लो बहू, बड़े भैया के तरफ से शगुन है, ले जी। बहू को तो तब शगुन दिया जाता है ना जब वो रसोई में जाती है। अरे भाई शगुन का क्या है, ये मन की बात है, खुशी की बात है, जब आया दे दिया। अम्मा हम सोच रहे हैं कि आजकल विनय को भी अपने साथ ऑफिस ले जाया करें, अब शादी हो गई है इसकी। हाँ बेटा लेके जा, कुछ सीखेगा भी। तुम विनय को बता दो मंगला कि हमारे साथ ऑफिस जाने के लिए तैयार रहे। क्या हुआ जी, सुबह आप तुनक कर चले गए थे, अब भी देख रही हूँ आप कुछ उखड़े उखड़े हैं। अरे रहेगी नहीं, एक काम भी ठीक से नहीं होता इन लोगों से। तो इसमें गुस्सा होने की क्या बात है जी, अब सब लोग आपकी तरह थोड़ी हैं कि सारा काम वक्त पे कर दे। तुम क्या चाहती हो तुलसी की माँ? अरे मैं भी अपनी आदत खराब कर लूं उन लोगों के चलते, उनकी हां में हां मिलाऊं, जो चीज मुझे नहीं पसंद वो मैं नहीं करता। बस बाबूजी आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं जानबूझकर नहीं गया, शादी का काम समेटते समेटते थक गया था, सोचा थोड़ी देर आराम कर लूं।
अब बाबूजी इस बात पर इतना हंगामा खड़ा करने की क्या जरूरत है? राशन वाला कहीं भागा तो नहीं जा रहा था? सुबह नहीं तो शाम को मिल जाते पैसे। अरे जो लोग हमसे जैसा व्यवहार करते हैं हमें भी उनसे वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। शादी से एक दिन पहले सारा सामान उसने हमारे यहाँ पहुँचा दिया था, पर अगर मैं उनको पैसे नहीं पहुँचाऊंगा तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? वो तो ठीक है बाबूजी, लेकिन खरीदारी करने से पहले थोड़ा तोल मोल तो कर ही लेना चाहिए। बहू तुम मुझे सिखाओगी तोल मोल करना? बाबूजी कंचन का वो मतलब नहीं था। खूब समझता हूँ बेटा, अरे बूढ़ा हो गया हूँ मैं, इस घर को संभालता संभाल तुम्हारे बचपन से लेके तुम्हारी पढ़ाई तक पाला है तुम्हें मैंने। और तुम्हारी शादी में कौन सा ऐसा खजाना आया था ससुराल से, फिर भी मैंने तुम्हारी शादी की धूमधाम से की। बाबूजी पैसा नहीं मिला लेकिन इनकी नौकरी तो मेरे भैया ने ही लगवाई थी ना। तो ऐसे कह रही हो जैसे कोई सरकारी नौकरी लगवा दी हो तुम्हारे भाई। LIC का एजेंट तो कोई भी बना देता है। हाँ तो ये घर उसी LIC के एजेंट की कमाई से ही चल रहा है। कंचन कम से कम चुप करो। चुप ही हूँ ना मैं। देखो अगर पैसों का इंतजाम मैं कर रहा हूँ तो उसका इस्तेमाल भी मैं अपने हिसाब से करूँ। अरे मुझे ज्ञान देने की कोशिश मत करो। ये आप क्या कह रहे हैं जी? ठीक कह रहा हूँ तुलसी की माँ। अरे मैंने सोचा था कि बेटा बड़ा होगा कमाऊ बनेगा, अरे अपने कंधे पे कुछ भार लेगा, पर इसने तो मुझे ही ज्ञान बांटना शुरू कर दिया। वो तो अगर कॉपरेटिव में मेरे पैसे नहीं फंसे होते ना तो मुझे पैसा लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अरे वो तो एक सज्जन आदमी मिल गए जिन्होंने मुझे पैसा दे दिया, वरना अगर इनके सारे होते ना तो पता नहीं क्या करते। चलिए